आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों हर धनाली दोदे गौड़ा देवे गौड़ा प्राइम मिनिस्टर सीरीज के समापन पर हम आ चुके हैं। तीन पर्सनैलिटीज बची हैं, एक ये है, तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे और कर्नाटक के 14वें चीफ मिनिस्टर थे। ये 1994 से लेकर 1996 तक ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे थे और 1996 से लेकर 1997 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। बलि का बकरा इनको बनाया गया था, क्या कहानी थी मैं पूरी कवर करूंगा, बताऊंगा। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो है आई के गुजराल, ठीक इनके बाद आए, उनको भी बलि का बकरा बनाया गया, उनकी बायोग्राफी मैं कल लेके आऊंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिकरेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों हिंदी में भी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप स्टडी आईक्यू के ब्लॉग्स को विजिट करिए, वहां पे सारी फैकल्टीज की आपको हिंदी में भी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया है, इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। हाल ही में हमने यूजीसी नेट कॉमर्स का कोर्स बनाया है दोस्तों, तो अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी इस सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो जरूर इस कोर्स को अवेल करिए, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर सीरीज का पार्ट है दोस्तों। मैं सारे प्रधानमंत्रियों की बायोग्राफी को रिव्यू कर चुका हूं, कुछ कुछ पे तो मैं दो दो लेक्चर्स लेके आया हूं, तो आप जरूर देख लीजिए। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको पूरी तरीके से मालूम हो जाएगा कि आजादी के बाद भारत कैसा था और कैसा है। जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी, इन पे तो दो लेक्चर आए हुए हैं, एक तो मैंने लिया और एक महिपाल सर ने लिया है, तो दोनों ही देख लीजिएगा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की किताब का मैंने रिव्यू किया है, इन्होंने नहीं लिखी थी, इनकी किताब का मैंने रिव्यू किया है। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माई ट्रुथ, उसका रिव्यू किया है, आप जरूर देख लीजिएगा। मोरारजी देसाई के बारे में हम बात कर चुके हैं, चौधरी चरण सिंह के बारे में बात कर चुके हैं, राजीव गांधी के बारे में हमने बात नहीं की है, और इनका लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं मार्च के लास्ट वीक में लेके आऊंगा या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, क्योंकि बड़ा लेक्चर है, दो पार्ट्स में आएगा। वीपी सिंह की हमने बायोग्राफी रिव्यू कर ली है, चंद्रशेखर की हमने पूरी लाइफ देख ली है, पीवी नरसिम्हा राव के दो पार्ट में लेक्चर है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। एचडी देवे गौड़ा का आज हम देख रहे हैं, आईके गुजराल का कल आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के दो पार्ट्स हैं, पार्ट वन पार्ट टू, क्या जबरदस्त लाइफ रही है इनकी, जरूर देखिएगा। मनमोहन सिंह पे तो मैंने चार सेशंस लिए हैं, चार लेक्चर्स हैं, जिसमें से दो तो इनकी बायोग्राफी है और दो इनकी बुक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का रिव्यू है, और नरेंद्र मोदी जी की भी बायोग्राफी मैं कवर कर चुका हूं। तो खाली आई के गुजराल बचे हैं, जो कि कल जिनका लेक्चर कवर हो जाएगा, और उसके बाद राजीव गांधी के दो पार्ट्स। तो ये मैंने पूरे प्राइम मिनिस्टर्स का रिव्यू किया हुआ है, आप देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर हम देवे गौड़ा की बात करें, कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट के होलन नरसेपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अब ये काफी खतरनाक नाम है, ठीक है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, टंग ट्विस्टर है, और यहीं से ही यहीं से ही इसी कंस्टिट्यूएंसी से ये खड़े होते थे, और जब भी खड़े होते थे हर बार जीते ये दोस्तों। एक जबरदस्त इनमें कैरिज्मा था, ये बहुत ही, जैसे मैंने बताया ना, जमीन से जुड़े हुए नेता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने वादे कर दिए थे और इनको निभाए नहीं, जब जब और जो जो इन्होंने सरकार जनता से वादे किए हैं उन सारे वादों को इन्होंने निभाया है, और किसानों के तो भैया प्रेमी थे ये, क्योंकि खुद भी किसान फैमिली के थे, इनके पिताजी दोदे गौड़ा एक किसान थे। अब दोस्तों किसान अगर इनके पिताजी थे तो इनको पता था कि किसान का जीवन कैसा होता है। अभी भी अगर आप इनके इंटरव्यूज देखें, अभी भी अगर आप देखें कि किस तरीके से ये अपनी पॉलिसीज जो है वो बताते हैं और सरकार किस तरीके से काम करे, तो इनकी जो पॉलिसीज हैं वो ज्यादातर किसानों के लिए ही रहती हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जेपी जयप्रकाश नारायण का ये सपना था कि भारत में सोशल इक्वालिटी आ जाए, ठीक है, और हमारे किसान भाइयों के लिए तो हम जितना हो सके काम करें, गांव को डेवलप कर दें, इस तरीके का पूरा उनका सपना था, ठीक है, सर्वोदय मूवमेंट। अब यहां पे क्या है दोस्तों कि देवे गौड़ा ने जयप्रकाश के सपने को अभी तक कायम रखा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। उनकी जो पार्टी है, देवे गौड़ा की जो पार्टी है, जनता दल सेक्युलर, ये जनता पार्टी से ही बनी है, ठीक है ना, तो जनता दल सेक्युलर ने अभी तक जेपी का जो सपना था कि भैया सोशल इक्वालिटी आ जाए, उन्होंने तो क्रांति ही इसीलिए की थी ना। जयप्रकाश नारायण पे दोस्तों मेरा पूरा एक लेक्चर है,
देख लीजिएगा, पार्ट वन पार्ट टू एक घंटे का सेशन है, मैंने पूरा कवर किया है। उनकी आइडियोलॉजी बताई है कि किस तरीके से वो मार्क्सिस्ट थे और उसके बाद बिल्कुल एक सोशलिस्ट हो गए, ये जबरदस्त उनकी कहानी है, तो आप जरूर देखिएगा। तो उनका सपना इन्होंने जीवित रखा है। लेकिन दोस्तों ये पॉलिटिक्स ऐसी चीज है ना कि अच्छे अच्छों को नचा के रख दे। देवे गौड़ा को भी नचा के रख दिया था इन्होंने। प्रधानमंत्री की जो कहानी है दोस्तों वो बिल्कुल वो किसी ड्रामे से कम नहीं है, पूरा ड्रामा चला था, वो अभी हम बताएंगे। तो इनके पिताजी दद्दे गौड़ा एक पैडी फार्मर थे और इनकी माताजी देवम्मा हाउसवाइफ थी। देवे गौड़ा एक इंजीनियर रह चुके। आपको बता दूं कि 1950 में, सोचिए उस समय साइंस का क्या स्कोप था, कोई स्कोप नहीं था, लेकिन उस समय इन्होंने डिप्लोमा लिया था सिविल इंजीनियरिंग से। तो एक सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियर रह चुके हैं और इन्होंने काम भी किया है, कॉन्ट्रैक्टर भी रहे हैं, छोटा मोटा काम इन्होंने देखा है, लेकिन जो भी किया है जनता के लिए ही किया है। 1954 में इनकी शादी हो गई थी चेनम्मा से। इनके 6 बच्चे हैं और इनके बेटे एच डी कुमार स्वामी अभी करंट चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के। अब दोस्तों वो क्या कहानी है, पिछले साल जो पूरा नाटक हुआ था 2018 में मई में जब असेंबली इलेक्शन हुए थे कर्नाटक में, क्या हुआ था आपको पता ही है भैया। इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़ गए थे एक दूसरे से, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। वो मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा कि जर्नी कैसी रही है। फिलहाल हम देवे गौड़ा को देख रहे हैं तो अपना लेक्चर जो है उन्हीं तक ही सीमित रखेंगे, लेकिन ये सब चीज बताऊंगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब दोस्तों देवे गौड़ा बहुत ही कम उम्र में पॉलिटिक्स में आ गए थे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों आजकल के जमाने में, देखिए कि तो कोई भी पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता है। वैसे मैं दो यहां पे फैक्शंस को देख रहा हूं कि एक जो बिल्कुल पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता और दूसरा वो यूथ है जो पॉलिटिक्स में आना चाहता है। मेरे हिसाब से पढ़े लिखे लोगों को तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तभी देश बदलेगा। तो देवे गौड़ा बहुत ही कम उम्र में 20 साल की उम्र में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे। वो सिर्फ 20 साल के थे, तो 20 साल बहुत ही कम एज होती है दोस्तों। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि करना क्या है, लेकिन इनको पता था। और फिर ये कांग्रेस पार्टी में 1953 से लेकर 1962 तक रहे, 1953 से लेकर 1962 तक रहे, लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे। हाँ, इन्होंने कांग्रेस ओ ज्वाइन की थी बाद में। आपको पता ही है दोस्तों, इंदिरा गांधी को बोला जाता था कि ये गूंगी गुड़िया है, और इंदिरा गांधी ने बाद में नाक में दम कर दिया था। कांग्रेस की जो पॉलिसी होती थी, इंदिरा गांधी की बिल्कुल अलग पॉलिसी होती थी। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी का पूरा झगड़ा इसी बात पे था। तो इंदिरा गांधी की पार्टी अलग हो गई थी कांग्रेस आर, और बाकी जो लोग थे वो अलग हो गए थे कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता था। तो जो कांग्रेस ओ है उसको ज्वाइन किया था बाद में देवे गौड़ा ने, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपनी ही पार्टी बना ली थी दोस्तों। पार्टी इन द सेंस कि वो फिर थर्ड फ्रंट से जुड़ गए थे। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि 1962 तक ये रहे कांग्रेस पार्टी में, और तब उस समय ये अजनेय कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके बाद तालुक डेवलपमेंट बोर्ड के भी मेंबर रहे। तो बहुत जल्द इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को शुरू कर दी थी, और उसमें एक के बाद एक सक्सेस भी इनको मिलने लगी थी। और मोटिव यही था कि किसी तरीके से बस ये जो हमारे किसान भाई हैं इनकी दिक्कतों को आगे रखा जाए। अब 1947 के बाद तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी, जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था भारत में लगातार सूखा पड़ता रहता था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऐसे नेता थे जो किसानों के कॉज को आगे लेके आते थे, इनकी वजह से तो बहुत सारे लोग बच पाए हैं, वरना क्या होता भगवान ही जाने। तो दोस्तों ऐसा है कि 1962 के जब तक ये कांग्रेस में थे उसके बाद ये कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आए, अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने ही गांव। अब आप ये नाम देख लीजिए, मुझसे नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा, और निर्दलीय कैंडिडेट थे क्योंकि उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को निर्दलीय बोला जाता है, जो किसी भी दल के नहीं होते, निर्दलीय। अब दोस्तों ऐसा है, इनका जीतना बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको बता दूं। निर्दलीय कैंडिडेट अगर जीते हैं तो दो ही कंडीशन पे जीते हैं, या तो उनके पास इतना ज्यादा पैसा हो कि आप छोड़ ही दीजिए, या फिर उनका जो क्या कहते हैं कि जो रुआब हो, ठीक है, जो उनकी पर्सनैलिटी हो और जो उनका कैरेक्टर हो और जो उनका वर्चस्व हो वो हर जगह फैला हो। तो यहां पे एचडी देवे गौड़ा के पास कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, इनका वर्चस्व बहुत था, लोगों को पता था कि एक ऐसा नेता है जो हमारे लिए काम करता है। 1962 से लेकर 1982 से लेकर 1989 तक दोस्तों ये बहुत बड़ा एक पीरियड होता है,
लगातार 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स ये चुन के आए थे, इस कंस्टिट्यूएंसी से ये चुन के आए थे। अरे बहुत बड़ी बात है, इसीलिए लैमलाइट में आ गए थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्हीं को देख लिया था कि भैया ये जो है ना तुरुक्का इक्का है। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस ओ को ज्वाइन किया जब कांग्रेस स्प्लिट हुई। अब दोस्तों ऐसा है कि जनता पार्टी 1977, आपको पता ही है कि 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लगा दी गई थी। इमरजेंसी के दौरान सारे बड़े लीडर्स को जो भी कांग्रेस के खिलाफ थे पकड़ो पीटो जेल में डालो, ऐसा ही हो रहा था। देवे गौड़ा को भी बैंगलोर सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। 1977 में जनता पार्टी उभर के आई, जनता पार्टी ने सारी छोटी छोटी पार्टी या कांग्रेस के अपोज में जितनी भी पार्टी थी सबको एक कर लिया था और पहली बार एक नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बना था भारत का। क्या नाम है उसका, उसकी बायोग्राफी भी मैं कवर कर चुका हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए। पीछे मत जाना, बिल्कुल पीछे स्लाइड पकड़ पलट के मत देख लेना, ठीक है। तो चलो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों ने मेरे प्राइम मिनिस्टर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो 1977 में जनता पार्टी बनी, लेकिन जनता पार्टी दोस्तों ज्यादा चली नहीं, ये टूट गई। फिर कांग्रेस आई, लेकिन फिर कांग्रेस भी नहीं चली। तो उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तब एक अलग ही नजारा सामने आया और पहली बार गठजोड़ की सरकार सामने आई, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसा है कि ये प्रेसिडेंट बने थे स्टेट यूनिट के, ठीक है ना। एक सेंट्रल यूनिट होता है पार्टी का, एक स्टेट यूनिट होता है। तो स्टेट यूनिट के जनता दल के ये प्रेसिडेंट थे। जनता दल दोस्तों ये वही जनता दल, ये वही जनता दल है। जनता पार्टी टूटने के बाद बीजेपी अलग हो गई, ठीक है, कांग्रेस अलग होगी, तीसरी पार्टी तीसरा फ्रंट भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो तीसरा फ्रंट जो था जिसको यूनाइटेड फ्रंट बोला जाता था, उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, जनता दल। जनता दल ने छोटी छोटी पार्टियों को मिला लिया था और वीपी सिंह सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, जनता दल से। उसके बाद फिर देवे गौड़ा बने, फिर आई के गुजराल बने, ठीक है ना। तो भैया इसकी भी कहानी जबरदस्त है और इस समय इनके बेटे चीफ मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि ये प्रेसिडेंट थे स्टेट यूनिट के, इनका काम जबरदस्त था, लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। 1994 में जो कर्नाटक में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें जनता दल जीती और ये 14th चीफ मिनिस्टर बने, 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक देवे गौड़ा बने। अब जब ये चीफ मिनिस्टर बने तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले तो किसानों के लिए बहुत काम किया। जब जब ये चुन के आए हैं दोस्तों, इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया है दोस्तों, इन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया। अभी हम एक छोटा सा रिव्यू लेंगे इनका अचीवमेंट क्या क्या है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब ऐसा है दोस्तों, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनकी बायोग्राफी मैं कवर कर चुका हूं, अब देख लीजिएगा। 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव और कांग्रेस का जो कोर संगठन था उसमें तो कभी बनी नहीं। सीताराम केसरी भैया सबसे बड़े ये दुश्मन थे पीवी नरसिम्हा राव के, पीवी नरसिम्हा राव को हटाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ना खाता ना बही, जो केसरी कहे वही सही। एक समय कांग्रेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ केसरी, प्रधानमंत्री बनने की इनको बहुत चाह थी दोस्तों। बड़ा ही इनका जो मिजाज था ना, मस्त मौला था। मैं बताना चाहता हूं इनके बारे में, जरा आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनका मिजाज था। और काफी जब भी ये सायरन देखते थे, ठीक है, सायरन इन द सेंस कि जब लाल बत्ती वाली गाड़ियां निकलती थी तो मन जो है ना बड़ा विचलित हो जाता था, ठीक है ना। बटरफ्लाई इन द स्टमक बोलते हैं ना कि ये देखो इन लोगों के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता जाता और ये बड़े बड़े मिनिस्टर बन के घूम रहे, प्रधानमंत्री बन के घूम रहे हैं और मुझे इतना कुछ आता जाता है, मैं यही बैठा हुआ हूं, ये कैसे हो रहा है। तो ऐसा था सीताराम केसरी का कुछ नेचर। और सीताराम केसरी की ही वजह से देवे गौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा था, ये जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट है ना वो गिर गई थी। अब ये दोस्तों क्या कहानी थी, देखिए दोस्तों 1996 में इलेक्शन हुए थे। देखिए 1991 में एक और चीज हुई थी, हाँ ये भी बताना जरूरी है, एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब क्या, कैपिटलाइजेशन, क्योंकि भारत बिकने की कगार पे आ गया था, गल्फ वॉर था, तेल की कीमतें ऊपर पहुंच गई थी, हमारे पास कुछ नहीं बचा था तो सोना फिर गिरवी रखना पड़ा था। वो पूरा मैंने कवर किया है दोस्तों मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की बायोग्राफी में। बताना मुझे यह है कि ये कैपिटलिज्म मॉडल था जो कि देवे गौड़ा ने अपोज किया था, क्योंकि देवे गौड़ा कौन है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट साथ साथ नहीं चल सकते, ये आपको पता ही है।
कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या अंतर है दोस्तों, मुझे जरा बताइए। मैंने कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी रिव्यू की है, चलिए मुझे बताइए। मेरा भी मानना है भैया, ना कैपिटलिज्म ना कम्युनिज्म, भैया बापू को नमन, सोशलिज्म की तरफ बढ़ो। लेकिन क्या अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, मैं बता दूं, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा अंतर है, वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा ये अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब दोस्तों कहानी कुछ इस तरीके की बनती है कि 1996 में कांग्रेस हार गई। डायनेमिक्स क्या थे दोस्तों? 272 का जादुई आंकड़ा छूना है आपको बहुमत के लिए। ठीक है, जब इलेक्शन हुए 1996 के, बीजेपी को सीटें मिली 161। ठीक है, कांग्रेस को मिली 140 और उसके बाद फिर जनता दल थी 46 और बाकी फिर पार्टियां थी, अलग अलग पार्टियां थी। ठीक है, तो अब दिक्कत यह है कि ना ही बीजेपी को बहुमत ना ही कांग्रेस को बहुमत। अगर बीजेपी सोचे कि हम और पार्टी से मिलकर बना ले बहुमत, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के साथ तो जाएगी नहीं, बीजेपी सोचे कि हम और छोटी छोटी पार्टी से मिलकर बहुमत बना ले, तो यह भी सही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि तब भी 194 तक ही आंकड़ा पहुंच रहा था, 194 तक की सांसद जो है वो बीजेपी जो है वो जुटा पाई थी। अब दोस्तों आपको याद होगा वो ऐतिहासिक भाषण जो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था जब वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। देखिए दोस्तों ऐसा है, दो कहानी पैरेलल चलेगी, थोड़ा सा टेक्निकल है, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे देवे गौड़ा जो थे वो प्रेसिडेंट थे ये जनता दल के। ठीक है, तो देवे गौड़ा ये बोल रहे थे कि हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो देखिए बीजेपी के साथ जाना सही नहीं है, तो हम एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि या तो हम कांग्रेस अपनी सरकार बना ले और हम सब जो है कांग्रेस को सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों थर्ड फ्रंट बन चुका था, यूनाइटेड फ्रंट जिसको बोला गया था, या फिर हम सरकार बना ले और कांग्रेस हमको सपोर्ट करे, ये बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। तो सबने बोला बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा था। तो यहां पे थर्ड फ्रंट के नेता चुनने की बारी थी, भैया कौन नेता चुना जाएगा? तो सबसे पहले जो नाम रखा गया वो था ज्योति बसु का। ज्योति बसु 1976 से लेकर 1996 तक, मतलब अभी तक, वो कौन थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल थे। ठीक है, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। तो सबसे जो नाम था वो ज्योति बसु का ही आगे रखा जा रहा था कि इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ज्योति बसु, सेंट्रल कमिटी ने फैसला लिया कि ज्योति बसु जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं थी। ठीक है ना, ज्योति बसु की जो पार्टी थी वो जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो कोई बहुत ज्यादा उनके पास सीटें नहीं थी, तो वो फिर एक बलि का बकरा बन के रह जाते। लेकिन बाद में ज्योति बसु ने ये बोला है कि ये उनकी पार्टी की तरफ से एक हिस्टोरिकल ब्लंडर थी कि उनका नाम आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि ज्योति बसु का नाम बहुत तेजी से आगे आया था और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। तो ये देखिए, अब दोस्तों प्रधानमंत्री का पद है, हर किसी को ये तो चाहिए ही। ठीक है, एवरी वन वॉन्ट्स टू बी अ लीडर, तो हर किसी को थोड़ा बहुत तो बुरा लगता ही है, थोड़ा बहुत नहीं, हटा दीजिए, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो ज्योति बसु ने भी वो कुछ भी बाहर से दिखाया लेकिन अंदर से थोड़ा बुरा तो लगा ही होगा। और वैसे भी ज्योति बसु जो थे वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस नेता थे, उनको तजुर्बा बहुत था, 20 साल से चीफ मिनिस्टर थे दोस्तों, मुख्यमंत्री थे, तो उनको पता था। अब ज्योति बसु है नहीं, क्या करें, कौन से नेता के पास जाएं? चलो वीपी सिंह के घर चलो। वीपी सिंह के घर गए, वीपी सिंह ने बोल दिया मुझे नहीं बनना। वीपी सिंह ने साफ इनकार कर दिया कि भैया मुझे नहीं बनना यहां पे। लेकिन जो यूनाइटेड फ्रंट था, वहां के जो यूनाइटेड फ्रंट के नेता थे, वो लग गए कि किसी तरह बस वीपी सिंह मान जाए। लेकिन वीपी सिंह ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है आप बैठो। उनको बैठाया, चाय पिलाई और वीपी सिंह बैकडोर से निकल गए। आप सोचिए कि एक नेता के घर पूरी पार्टी आई है, उनसे आग्रह कर रही है कि भैया प्रधानमंत्री बन जाओ, और वो नेता उनको मनाने में असफल है, तो वो क्या करेगा? यहां पे वीपी सिंह ने क्या किया कि वो चुपके से निकल गए, अपनी गाड़ी में बैठ के रिंग रोड पे घंटों तक घूमते रहे, फिर फोन किया कि मैं वापस नहीं आऊंगा, ना ही मुझे इंटरेस्ट है पीएम बनने में, आप लोग वापस लौट जाइए। फिर कौन बचे? देवे गौड़ा। तो देवे गौड़ा बचे और देवे गौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 1 जून 1996 से लेकर 11 अप्रैल 1997 तक ये प्रधानमंत्री बने थे। खाली 10 महीनों के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि
कांग्रेस की सरकार थी ना, कांग्रेस ने, कोलिशन गवर्नमेंट था ये, गठजोड़ का जो दौर था ये शामिल हो गया था। अब दोस्तों एक और चीज है, अच्छा एक चीज तो मैं बता नहीं भूल गया, यहां पे दोस्तों क्या हुआ था कि जब देवे गौड़ा को नेता चुना गया, ठीक है, तो ये यूनाइटेड फ्रंट जो है वो जा रहा था प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा, इससे पहले यूनाइटेड फ्रंट उन तक पहुंचता, शंकर दयाल शर्मा ने क्या बोल दिया, बीजेपी सरकार आके बना ले, बीजेपी को न्योता दे दिया। यहां पे यूनाइटेड फ्रंट के पास नंबर थे, लेकिन बड़ी पार्टी कौन सी थी, बीजेपी। दोस्तों जो सबसे बड़ी पार्टी होती है न्योता उसी को मिलता है, ठीक है। 161 सीटें जीती थी बीजेपी ने 1996 जनरल इलेक्शन में, इसीलिए बीजेपी को प्रेसिडेंट ने बुला लिया था कि आप आइए दावा पेश कीजिए। तो फिर वो 13 दिन की सरकार, 13 दिन खाली दिए थे कि अगर बीजेपी सरकार बना सकती है तो बना ले, वरना फिर हम किसी और को बुलाएंगे। तो यहां पे वही ऐतिहासिक स्पीच जो दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों, एक घंटे की, यूट्यूब पे आप जरूर देखिएगा कि भैया सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, क्या बात है, जबरदस्त। उनका व्यक्तित्व कमाल का था, नो हेटर्स है दोस्तों उनके पॉलिटिक्स में, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी की बुराई करता हो, ऐसे नेता थे वो, जबरदस्त, ठीक है ना। तो ये सारी चीज हुई, लेकिन 13 दिन बाद बीजेपी की सरकार गिर गई और फिर फाइनली यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाई, लेकिन देवे गौड़ा को कुछ हासिल नहीं हुआ। 10 महीने बाद भैया कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और देवे गौड़ा को क्या हुआ, अपना मतलब इस्तीफा देना पड़ा। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी थी देवे गौड़ा के प्रधानमंत्री बनने की। उसके बाद फिर आईके गुजराल को बलि का बकरा बनाया गया, अब वो क्या कहानी है वो मैं आपको कल बताऊंगा। अब दोस्तों यहां पे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो स्टेट पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। जब जब लोकसभा का, अभी तक जब जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तब तक देवे गौड़ा लड़े हैं और जीते हैं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी से हारे नहीं है। अब दोस्तों ऐसा है कि ये जो डिसीजन लिया गया था सीताराम केसरी द्वारा, मैं बता दूं कि पीवी नरसिम्हा राव को हटा दिया था और पार्टी प्रेसिडेंट बन गए थे सीताराम केसरी, जी हां पार्टी प्रेसिडेंट सीताराम केसरी बन गए थे। अंदरूनी ढांचा जो है वो कांग्रेस का बिगड़ता जा रहा था, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव को बुरी तरह से पीट दिया गया था, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जो है वो बिल्कुल अपोज चले गए थे कांग्रेस के, तो इनको हटा दिया गया। सीताराम केसरी का सबसे बड़ा यहां पे हाथ था, क्योंकि सीताराम केसरी को ये लग गया था ये बेकार सरकार है, ये कमजोर सरकार है, हमारे पास नंबर है, मैं ही बनूंगा प्रधानमंत्री। मैंने बताया ना, जब खाता ना बही, जो केसरी कहे वही सही। तो इस तरीके का डिस्कशन भी इनके बिल्कुल प्रधानमंत्री वाले हो गए थे, जब भी इनके घर पे डिस्कशन होता था तो सीताराम केसरी का वो झलक दिख जाती थी कि हाँ भैया बंदे को प्रधानमंत्री ही बनना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आप चाहेंगे तो मैं सीताराम केसरी पे भी एक लेक्चर ले आऊंगा, उनकी भी बायोग्राफी रिव्यू कर दूंगा, बड़ी ही जबरदस्त लाइफ इनकी भी रही है, गजब के नेता थे, दिग्गज नेता थे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है कि उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर जो देवे गौड़ा है वो स्टेट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, लेकिन जो जनता दल है वो भी कर्नाटक में ऐसा नहीं कि उन्होंने सारी सीटें जीत ली और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। जनता दल हमेशा या तो बीजेपी के साथ या फिर कांग्रेस के साथ मिलके वहां पे सरकार बनाती रही। अब दोस्तों 2008 से लेकर 2018 तक कुछ जनता दल ने खास किया नहीं, जनता दल सेक्युलर इनकी पार्टी का नाम है, ठीक है। लेकिन 2018 याद है, पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे मई 2018 में, तो भैया क्या हुआ था, बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ गए थे, याद है कि नहीं। बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी, 104, कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 178, और जनता दल सेक्युलर को कितनी सीटें मिली थी, 37। तो यहां पे क्या हुआ था, तीन पार्टी में टफ कंपटीशन था, लेकिन गवर्नर ने किसको मौका दिया था सरकार बनाने का, बीजेपी को। और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को कम सीटें मिली थी ना कांग्रेस, भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह बोल दिया था कि हम जनता दल सेक्युलर को अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, आप सरकार बना ले, लेकिन बीजेपी ने क्या बोला था, बीजेपी मतलब गवर्नर ने क्या बोला था, गवर्नर ने न्योता किसको दे दिया था, बीजेपी को, बीजेपी की सीटें 104 थी। तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ चला गया। तो यहां पे फिर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस जेडीएस सुप्रीम कोर्ट चली गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पे फिर सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि भैया आप बीजेपी को जो है वो अपना बहुमत फिर साबित करें, ठीक है, और बीजेपी उसमें करने में नाकामयाब हो गई, ठीक है। बीएस येदुरप्पा जो है वो चीफ मिनिस्टर
नहीं बन पाए और फिर जेडीएस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी 23 मई 2018 को। एचडी कुमार स्वामी जो कि बेटे हैं देवेगौड़ा के, वो चीफ मिनिस्टर बने। अब बताना चाहता हूं दोस्तों इनके अचीवमेंट्स क्या क्या है। देवेगौड़ा ने बहुत कुछ किया। देवेगौड़ा ने वैसे दोस्तों एक कहानियां बहुत लंबी हैं, फिलहाल मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं जा पाऊंगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, फिर आप लोग बहुत कंप्लेन करेंगे। मैं बनाऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अभी हम देवेगौड़ा पे ही आते हैं वापस। देवेगौड़ा ने क्या किया था दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो है उन्होंने ग्रीन कार्ड स्कीम चलाई थी। ये रूरल और अर्बन दोनों लोगों के लिए थी, जो गरीब हैं, जो बीपीएल है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको राशन कार्ड इशू किया जाता था और उसके बाद 65 लाख लोगों को ये कार्ड इशू किए गए जो ग्रीन कार्ड थे। मात्र 3 रुपए 25 पैसे में 1 किलो चावल मिलते थे। आप देख रहे हैं ना, इन्होंने 30% जो पोस्ट थी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की। इन्होंने जो गांव से अनएजुकेटेड यूथ निकलता था यह सुनिश्चित किया कि जो सरकारी जॉब्स है, पूरी नहीं, कुछ परसेंटेज वो इनको मिले, और यह वादा था इनके मैनिफेस्टो में, यह सब लिखा जाता था। इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो फार्मर्स का इंटरेस्ट है, जो लोन्स पे इंटरेस्ट है, उसको पूरी तरीके से वेव करते। इन्होंने कृष्णा रिवर डिस्प्यूट जो चल रहा था, स्टेट रिवर है भैया वो कर्नाटक की, 1435 करोड़ इन्वेस्ट करके उस रिवर को प्रॉपर यूटिलाइज किया, अपना प्रॉमिस जो है वो रखा। कावेरी डिस्प्यूट को भी इन्होंने अच्छे से सुलझाने की कोशिश की। सोशल जस्टिस चाहते थे दोस्तों, ये सोशल जस्टिस अभी भी चाहते हैं। तो देवेगौड़ा कमाल के नेता थे और कमाल के प्रधानमंत्री थे। ज्यादा मौका नहीं मिल पाया इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए, बहुत ज्यादा मौका मिलता तो बहुत कुछ कर लेते। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, इसको जरूर शेयर करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कल आई के गुजराल पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।